Limit your size in any position so that fear doesn't become your prevailing instinct guiding your judgment. Joe Vidich. The number one reason 90% of traders fail is because they get emotionally compromised. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 27th of December 2022। क्रिसमस हॉलीडेज एंड न्यू ईयर हॉलीडेज दोनों मिला के मार्केट में ज्यादा कुछ लिक्विडिटी है नहीं, थिन लिक्विडिटी प्रिवेलिंग इन द मार्केट। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.06, यहाँ पे ही कंसोलिडेट होने का मीन्स बेसिकली आपका 103.50 on the lower side and 105.00 इसी के बीच में रिटेन करने का एक्सपेक्टेशन है टिल लिक्विडिटी रिटर्न्स बैक टू द मार्केट। डॉलर रुपी 82.63। फ्राइडे को दैट मीन्स On 23rd of December, ये आपका क्लोज दिया है 82.73। उसके बाद कल ड्यूरिंग द डे सेल ऑफ हमने देखे हैं एंड जो क्लोज था वो आपका 82.65 में था। यहां पर भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं, साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड। जीबीपी डॉलर आपका है 1.2089, यहाँ पे आपका हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था दैट इज 1.21 के नीचे 1.1950 एंड 1.1825, लेकिन ड्यू टू लिक्विडिटी नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स आर ऑन हॉलीडे मोड, सो यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं। जीबीपी आईएनआर 100.10, यहाँ पर भी थोड़ा सा साइडवाइज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर 1.0650, यहाँ पे बेसिकली आप अगर देखोगे वीकली एंड डेली पे अबोव 60 है, थोड़ा सा बुलिशनेस प्रिवेलिंग है। कल भी हम थोड़ा अपवर्ड बायस था, लेकिन अपवर्ड बायस होने के बावजूद आपका 1.07 एंड 1.0550 के बीच में ही साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यूरो आईएनआर आपका 88.19, यहां पर भी आप वीकली एंड मंथली बोथ आर इन बुलिश मोड बट कंसोलिडेशन विद इन द साइडवेज that is 82.75 on the higher side and 88.75 on the higher side and 87.50 on the lower side, iske beech mein hi thoda sa move karne ka expectation hai. Dollar yen 132.94, ye aapka 20 tarikh ka sell off ke baad consolidate kar raha hai, yahan pe fir consolidation hi rahega. ऊपर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 133.80 है। येन आईएनआर 0.6239, यहाँ पे 20 तारीख के अपवर्ड मूव के बाद थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है और थोड़ा कुछ मीन स्टिल 7th और 10th आई थिंक इस स्टेप का ही एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा। डॉलर कैंडी 1.3550, ये देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लो के नीचे बड़ा कैंडल देने के बाद नीचे अगर फॉलो थ्रू होता है तो हम एक डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि कल एक इनसाइडवर्ड दिया था, कल फॉलो थ्रू नहीं था, आज फॉलो थ्रू दिख रहा है। तो यहाँ पे डिस्पाइट लेस लिक्विडिटी थोड़ा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑसी डॉलर 0.6753, यहाँ पे आपका कल और परसों के 26th, 23rd इवन आज मॉर्निंग से भी थोड़ा सा अपवर्ड बायस दिख रहा है, लेकिन आपका वही है एज ऑफ नाउ आपका
16775 on the higher side and 16630 on the lower side. इसके बीच में कुछ समय के लिए ये कंसोलिडेट करना चाहिए. और CNH 6.96, ये जो आपका कोविड रिलेटेड न्यूज के बाद 23rd को अच्छा खासा एक अपवर्ड बायस दिया था, लेकिन वहीं पे देखना था कि क्या ये इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, लेकिन फेल हुआ कल एंड आज फिर नीचे की तरफ आ रहा है. दैट शोज दैट कोविड रिलेटेड जो पैनिक चाइना में चल रहा है, शायद एज पर दिस करेंसी ये अंडर कंट्रोल हो रहा है. यूकोइल 84.96 आपका ये जो रेजिस्टेंस था आपका 81 एंड 83, इसके क्रॉस करके ऊपर चला गया है एंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है. यहाँ पे मेन जो क्लू था यहाँ पे ये वाला, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेंज शिफ्ट. इसके कारण दैट इंडिकेट्स दैट प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है. अगर फंडामेंटली हम देखेंगे तो जब कोविड वाला मींस पैनिक आ रहा था पिछले लास्ट वीक को, तो वहां पे हम लोग ये अगर लॉकडाउन हो जाता तो इसमें काफी डिमांड घट जाता एंड नीचे की तरफ आता, लेकिन प्राइस वाज नॉट टेलिंग दैट वन. आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे तो वहां पे वही मैं बोल रहा था कि टेक्निकली इट इज नॉट टेलिंग दैट ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा. फर्स्ट कंडीशन वाज दैट ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली ये ऊपर क्लोज दिया एंड ऊपर के तरफ ही जा रहा है. US 10 ईयर ट्रेजरी 3.734 आपका, यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर तरफ ही जा रहा है. यहाँ पर भी एक आपका रेंज शिफ्ट हमने देखे हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, इसका मतलब और थोड़ा अपवर्ड बायस हम देखते हैं. थोड़ा सा प्राइस और कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस को, तभी जाके हम एक फर्दर डायरेक्शंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.